हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तब गुरुग्राम की जहां पर खिलाड़ियों को जल्द नया स्विमिंग पूल मिलने वाला है। 2 करोड़ की लागत से कमला नेहरू पार्क में 45 साल पुराने स्विमिंग पूल को तोड़कर अब नया स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। दरअसल काफी सालों से खिलाड़ियों को नए स्विमिंग पूल का इंतजार था, लेकिन अब जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है, जिसके बाद इस पूल में तकरीबन 300 से 400 खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। दरअसल गुरुग्राम का स्विमिंग पूल कई सालों से जर्जर अवस्था में था, जिसके चलते खिलाड़ियों को वहां पर प्रैक्टिस करने में काफी दिक्कतें आया करती थी। अब कम खिलाड़ी प्रैक्टिस वहां पर करने पहुंचते थे, जिसको लेकर खेल विभाग ने स्विमिंग पूल को दुरुस्त करने का प्रयास किया। अब जाकर वो प्रयास रंग भी लाता दिख रहा है, क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम ने 45 साल पुराने स्विमिंग पूल को नया रूप देने के लिए टेंडर को पास कर दिया है। तो जो हमारा कमला नेहरू पार्क में हमारा स्विमिंग पूल था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, उसको एमसीजी अब बनाने जा रही है, क्योंकि ये जो स्विमिंग पूल था, पूल जो था ये 45 साल पुराना था। अब एमसीजी ने उनका टेंडर कॉल कर दिया है और लगभग उसके ऊपर 2 करोड़ के करीब उसकी लागत है, जिसमें वो स्विमिंग पूल बनके तैयार हो जाएगा और जिसमें हमारे 200 बच्चों से ज्यादा ही उसका फायदा उठा रहे थे हर सेशन में। तो अभी जब हमारा नया बन जाएगा तो 200 से ज्यादा से 300-400 बच्चे आने की उम्मीद है।